हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडियो सरिप्ता। और आज है मंडे। मैंने कल का ब्लॉग सिर्फ शाम को 5 बजे वाला ही शूट किया था, क्योंकि शाम को 5 बजे जनता कर्फ्यू, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि शायद जनता कर्फ्यू के लिए एक क्या बोलते हैं, बेल बजाना है। तो बेल बजाना इन द सेंस, आपने देखा होगा कि वीडियो के स्टार्टिंग में कि किसी ने ताली बजाया था, किसी ने थाली बजाया था, किसी ने शंख बजाया था। तो उसके बाद मैंने और कोई शूट नहीं किया था, बस उतना ही शूट किया था। और सुबह से भी आज मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि आज सुबह रोहन ए शिफ्ट नाइट शिफ्ट करके आए। नाइट शिफ्ट करके आने के बाद मैंने सुबह मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट वगैरह है वो सब कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अभी मैं रिलैक्स होके बैठी हूँ। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो अभी मैं आपके साथ एक दोपहर की लंच की जो रेसिपी है, आज मैं सोच रही हूँ कि राजमा बनाऊँ। तो राजमा की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ी बहुत मैंने तैयारी कर रखी है, बस उसी रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो भी मैं शेयर करूँगी रेसिपी, वो पूरा टोटली मेरा वर्जन है। मैं अपने स्टाइल में कैसे बनाती हूँ वो बस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले मेरे को शायद कियान की भी आवाज़ आ रही है, देखो मैं देख लेती हूँ कियान भी क्या कर रहा है। आइए देखते हैं कियान क्या कर रहा है। ओके, कियान अपने पापा के मोबाइल के साथ खेल रहा है। कियान, ये रहा कियान। कियान आ गया। मैं बोली थी ना कियान की आवाज़ आ रही, वो सो रहा था एक्चुअली, तो वो उठ गया है। और जैसे ही उठता है तो आसपास अगर कोई ना हो तो मम्मा मम्मा, अच्छा ताता, तो ताता दादा बोले, अच्छा फ्लाइंग किस ना, फ्लाइंग किस ना, अरे बोले। तो कियान ने सारे अपने फ्रेंड्स को फ्लाइंग किस दे दिया अच्छे से। तो अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो चलिए मैं अपना लंच भी बना लेती हूँ। लंच के लिए मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे प्याज टमाटो, मैं आपको सब दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। तो पहले कियान के पापा को जगाया जाए और कियान को पकड़ाया जाए, तभी तो कियान बाहर क्या देख रहा है। एक्चुअली मेरी जो आज हाउस हेल्पर है वो कल ही आई थी, क्योंकि कल जनता कर्फ्यू था तो आज आई है। तो वो जल्दी अपना काम करके जाएगी, क्योंकि उसने बोला है कि बाहर कोई नहीं है। मैंने बोला था सिर्फ आके झाड़ू पोछा कर देना, क्योंकि वही काम नहीं होता। तो करके जा रही है। तो क्या उसी को देखता है कि वो अपना काम अच्छे से कर रही है कि नहीं। चलो चलते हैं ज्ञान को उसके पापा को देने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मतलब फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरे यहाँ दो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, टैलेंटेड सिंगर्स हैं, द ग्रेट रोहन चक्रवर्ती एंड द ग्रेट कियान चक्रवर्ती, जो कि जिन लोगों को मैंने बोला कि प्लीज़ मेरा ट्राइपॉड को ठीक कर दो, तो उन दोनों ने अपना सारे काम यहाँ शुरू कर दिया। तो अब इसी के साथ मैं चलती हूँ अपने रेसिपी की तरफ, नहीं तो मेरा खाना तो आज बनने से रहा। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या तैयारी कर रखी है। यहाँ पे मैंने जैसे राजमा को बॉईल करके रखा है, और दो बड़े साइज़ के अनियन को मैंने चॉप्ड कर लिया है, दो बड़े साइज़ के टोमेटो को भी मैंने चॉप्ड कर लिया है। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली और जिंजर और गार्लिक, मैंने तीनों को अभी पेस्ट बनाना है, तो अभी ऐसे ही रखा है। ग्रीन चिली प्लीज़ आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा कि आप लोग कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से। मैंने
यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला है। जैसे मेरी कढ़ाई गर्म हुई मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला। अगर आप चाहें तो आप कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मेरा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया तो मैं इसमें क्यूमन सीड्स, जीरा डालूंगी। जैसे ही मेरा यहाँ पे जीरा थोड़ा सा फ्राई हो गया तो मैं यहाँ पे अनियन जो मैंने चॉप करके डाला रखा था उसको मैं डालूंगी। अब मैं अनियन को तब तक फ्राई करूंगी जब तक ये थोड़ा सा रेडिश ना हो जाए। जैसे ही मेरा यहाँ पे प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसमें जो जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का जो पेस्ट बनाया है उसको मैं डालूंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं ये चाहिए वो चाहिए। मोस्टली सभी लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट घर पे पहले से बना के रखते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड वुमेंस हैं, एक्सपीरियंस्ड मदर्स हैं, वो लोग तो पहले से ही बना के रखते हैं। यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और साथ ही में यहाँ मैंने टमाटो को भी डाल दिया। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ जो कि मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया है जब मैंने कोई रेसिपी अगर शेयर की है तो, कि मैं ज़्यादातर खाना ढक के बनाती हूँ तो मेरी आदत है गैस कढ़ाई को ढक देना। तो प्लीज़ आप लोग उसमें प्रॉब्लम परेशान मत होइएगा एक्चुअली, क्योंकि ढक के बनाने से क्या होता है कि आपका जो गैस भी बचता है और जो आपका जो खाने का जो फ्लेवर है वो भी और अच्छा आता है। तो इसलिए मैं ढक के ही बनाती हूँ। टमाटो डालने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। अब मैं इसमें जो बेसिक मसाले हैं वही डालूंगी, जैसे नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी, इन सबका अपना अपना मेजरमेंट होता है इसलिए मैं इसमें कोई मेजरमेंट डिस्क्राइब नहीं करूंगी। सबका अपना नॉर्मल जो मेजरमेंट होता है वही। कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। मैं गरम मसाला यूज़ करती हूँ कैच का, MDH का और या फिर एवरेस्ट का भी यूज़ करती हूँ। मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं है एक्चुअली। गरम मसाला और ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसको ज़्यादा नहीं देती क्योंकि इससे फिर बहुत ज़्यादा रेड कलर हो जाता है। अब मैं सारे को अच्छे से फ्राई करूंगी सारे मसालों को। पीछे से कियान की आवाज़ आ रही है, खेल रहा है। ये मैंने सारे मसालों को मिक्स कर दिया। अब मैं गैस को लो फ्लेम में करके एटलीस्ट 2-3 मिनट के लिए कढ़ाई को ढक दूंगी
ताकि मसाले मेरे अच्छे से फ्राई हो जाएं और जो उसमें से तेल है वो स्प्रेड हो जाए। मैंने इसको ढका और इधर मैंने गैस को लो फ्लेम कर दिया। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है और इसमें से तेल भी निकल आया है। मसाले को जितना अच्छे से फ्राई करेंगे उतना खाने में टेस्ट होगा। इसकी खुशबू तो अभी इतनी अच्छी आ रही है मसाले की। अब मैं इसमें गर्म पानी थोड़ा सा डालूंगी और ये जो जिंजर गार्लिक वाला जार है मेरा, जिसमें मैंने जिंजर गार्लिक बनाया था, उसको भी धो के डाल सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला। एक बार और मैं मसाले को ऐसे ही अच्छे से लो फ्लेम में पहले फ्राई करूँगी, हल्का सा फ्राई करूँगी, उसके बाद ही मैं राजमा को डाल के फिर मसाले को और अच्छे से फ्राई करूँगी। यहाँ मैंने सोचा, मैंने जो थोड़ा सा पानी देके मसाले को फ्राई किया तो आप देख सकते हैं मेरा तेल जो है ऊपर अलग से फ्लोट कर रहा है। अब मैं इसमें राजमा को भी डाल दिया। अब इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मसाले के राजमा को और मसाले को अच्छे से फ्राई करने के बाद आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए इसको पहले ढक दूँगी ताकि ये थोड़ा सा और अच्छे से राजमा को भी मसाले लग जाए। मैंने राजमा को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। मेरे को इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं, एकदम हल्की ग्रेवी चाहिए। ज़्यादा मैं इसको पतला नहीं बनाऊंगी। मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा उबाल आने तक इसको छोड़ दूँगी। जैसे ही इसमें अच्छे से उबाल आएगा इसके बाद मैं इसका गैस ऑफ करूँगी। अच्छा, पानी डालने के बाद प्लीज़ आप लोग एक बार नमक चेक कर लीजिएगा कि नमक आपका ठीक ठाक है कि नहीं, नहीं तो कई बार क्या होता है नमक कम हो जाता है। तो अभी मैं इसको गर्म पानी डाला है ताकि गर्म पानी इसलिए डालते हैं ताकि टेस्ट मेंटेन रहे। तो अब मैं इसको ढक दूंगी उबाल आने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा अब इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं इसमें कोरिएंडर, धनिया पत्ता डालूंगी। बिना धनिया पत्ते के कहाँ स्वाद है ना। धनिया पत्ता इज टोटली ऑप्शनल, अगर आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं है नो मैटर्स। ये मेरा राजमा बनके तैयार। सो फ्रेंड्स, ये है आज का मेरा